नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, प्रोफेसर और हेड ईएनटी डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। इस समय हमारा देश या पूरा विश्व ही कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है और इस संबंध में आगरा की जनता के लिए मेरी तरफ से कुछ सुझाव हो सकते हैं। जैसे कि क्योंकि ये कोरोना नामक बीमारी ऐसा संक्रमण है जो कि सांस के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है, मुंह या नाक से इन्फेक्शन शरीर में प्रवेश करता है और इसलिए हमें सबसे पहले इस संक्रमण से रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जरूरी नहीं वो मास्क कि हम बाजार से ही खरीदें, मास्क घर से ही बनाए जा सकते हैं या उसको चेहरे को किसी और चीजों से जैसे गमछे से या चुन्नी वगैरह से भी या रुमाल सामान्य रुमाल से भी हम दो तीन लेयर्स में कवर कर सकते हैं। इस तरह से मास्क का प्रयोग चाहे वो मरीज जो संक्रमित है वो या चाहे वो व्यक्ति जिसे संक्रमण से बचना है, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है संक्रमित मरीज जो कि खांसता या छींकता है उससे संक्रमण का वायरस आसपास की हवा में उड़ता रहता है या वो सेटल होकर कि बगल के आसपास की सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल आसपास अगर पड़ा हुआ है किसी सरफेस पे तो उसको भी हमें सफाई करनी होगी, उसको भी हमें अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ रखना होगा और हमें संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सबसे बड़े इम्पोर्टेंट स्टेप हमारे लिए होगा कि हमें रेगुलर साबुन पानी से हाथ धोना होगा। हर घंटे हमें साबुन पानी से हाथ धोने से हमारे हाथों से वायरस बाहर चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साबुन पानी से हाथ धोने की स्थिति नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हमें हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि संक्रमण का जो वायरस है वो हमारा हाथों पे ही 70% अल्कोहल से मर जाएगा और हमारा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। सबसे बड़ी अहम बात है हमें इन्फेक्शन को एक दूसरे में फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे हम उचित दूरी एक दूसरे के साथ जो है बरकरार रखें, हम जहां भी निकलें एक दूसरे के बीच में 1 से 1.5 मीटर की दूरी रखें, क्योंकि अगर हम इस दूरी के इसलिए